जी आपने कल वाली शेयर नहीं की? हाँ हाँ वो कल वाली मैं शेयर कर देता हूँ आज ना। ये बन जाएगा हमारे पास, हमने लिखना था इधर सीकेंस टेन स्क्वेयर की, सॉरी वैल्यू निकालनी थी, इधर से टेन स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू आ गई सीकेंस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, माइनस ठीक वन है। हाँ उसकी जगह हमने ये पुट कर दी। अब ये पुट करने के बाद हमने देखा फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, हमने क्या किया हमने इसको पुट कर लिया टी के बराबर। ये देखे ना ये पूरा फंक्शन है, एक इस पूरे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है। सीकेंट स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास ये है। अब सीकेंट का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, सीकेंट इंटू टेन ही होता है। अब उसको हमने स्पोज कर लिया टी के बराबर, टी जब इसका डेरिवेटिव लिया डिफरेंशियल लिया, डी टी इक्वल टू सीकेंट थीटा सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब इस पूरी वैल्यू की जगह, अब इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया डी टी, इसकी जगह हमने क्या पुट किया था टी, तो ये टी स्क्वेयर माइनस वन आ गया। तो जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे ये बन जाएगा टेन, सॉरी टी स्क्वेयर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा टी क्यूब ओवर थ्री, वन की इंटीग्रेशन हमारे पास टी बन जाएगी। तो एट द एंड हमने इसमें पुट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन हमने एक्स में आंसर है और सवाल है तो जवाब भी हमने एक्स में देना है, तो ये जवाब हमारे पास टी में आ गया था। तो टी की जगह हमने रिप्लेसमेंट कर देनी है उसको, जब हमने यहाँ पुट किया और टी बराबर सीकेंट एक्स, तो उसकी जगह हमने सीकेंट एक्स पुट कर देना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा सीकेंट क्यूब एक्स ओवर थ्री माइनस टी की जगह सीकेंट एक्स। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? फाइव पार्ट है। हाँ ए इसका फाइव पार्ट, नीचे वाला इसका क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छा अभी ये देखिए इसमें तो हमारे पास सिंपल हमें कंफर्म हो गया। अब आई लेट सी वाला फॉर्मूला उसी तरह हमारे पास इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और दूसरा हमारे पास कौन सा है ये अल्जेब्राइक है। अल्जेब्राइक को हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है, इसको हमने सेकंड फंक्शन। जब इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का हम जब इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपल इधर देखते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं e की पावर x की, तो आंसर क्या आता है e की पावर x, अगर उसके साथ कोई भी हो इंटीग्रेशन 5x है तो वो क्या बन जाना है इंटीग्रेशन 5x ओवर 5। वो 5 कहाँ से आता है, क्योंकि हमने इधर कंप्लीट करना होता है इंटीग्रेशन e की पावर 5x, हमने इसका डेरिवेटिव उसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आता है 5 डी एक्स, 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं 5 से डिवाइड भी करते हैं। तो अब ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स किसके बराबर होती है, ई की पावर एक्स के बराबर ही। तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बन जाएगा ई की पावर 5x 1 ओवर 5, तो इसका जवाब बन गया ई की पावर 5x ओवर 5। जब इसकी इंटीग्रेशन हमने की तो ये बन गया e की पावर 5x ओवर 5 माइनस e की पावर 5x ओवर 5। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है, 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3x स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास सिंपल एज इट इज वैसे का वैसे ही आ गया। अब इधर हमने क्या करना है, अगेन वही फार्मूला जो इस पे अप्लाई किया है, इसमें यही फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। उसी तरह जब हम अगेन इस पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास एक्सक्यूज क्या मी आंसर सर, आता है। जी 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 एक्सक्यूज मी, देयर इज जी लड़कियां सारी भाग गई। बागी यस नहीं बागी नहीं है, वो नेट का पहले इशू आ रहा आपको है, क्या टेंशन। नेट का इशू का था, वो 3 दफा पहले भी कैंसिल हुआ था ऐसे ना।
अच्छा ठीक ठीक हाँ वो इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई मतलब आपसे पूछा नहीं मैंने, क्लास का इशू था कोई, वो नेट का इशू आ रहा था अपना। पहले के लिंक पे जाके बैठ के सारे बच्चे लग रहे हैं मुझे, किसमें? दो लिंक आए थे ना आपकी तरफ से, लगता हाँ पहले लिंक पे चले गए वो सारे। नहीं पहला लिंक नहीं, दोनों लिंक इसी के थे, दोनों अच्छा ठीक है, लिंक ये थे, वो मैंने दोबारा इसलिए शेयर किए। अच्छा भी उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास इतना पोर्शन पहले था, उसमें एक्स स्क्वेयर हमारे पास था और इधर था इंटीग्रेशन ई की पावर 5x और साथ था एक्स स्क्वेयर जो उसके अगले पार्ट में आ रहा था। अब उसकी इंटीग्रेशन ये लेने लगा इधर, एक्स स्क्वेयर फर्स्ट फंक्शन ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस ई की पावर 5x ओवर 5, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या आ गई 2x। अब ये 3/5 सब भी से मल्टीप्लाई होना है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पोर्शन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया हमारे पास 6/25। अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी इंटीग्रेशन इधर खत्म नहीं हो रही। अब इस पे फिर उसी तरह ये फर्स्ट फंक्शन सॉरी और ये सेकंड फंक्शन, उसको आगे लेके चले, एक्स आ गया हमारे पास ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस माइनस ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर 5x ओवर 5, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया इधर जाके 1। अब जान छूट गई इधर जाके, जब हमारी जान छूट गई सब भी एक्स खत्म हो गए, फंक्शन एक ही रह गया। अब एक ही फंक्शन आ गया, ई की पावर 5x का इंटीग्रेशन लेंगे, ई की पावर 5x ओवर 5 आ जाएगा, जो भी उसके साथ आ रहा है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसने इनमें देखा ई की पावर 5x सभी में कॉमन आ रहा है, सभी में है ई की पावर 5x और 5 भी सब में है, 5 5 बार मार 25, 5 25 बार 125 और 5 इसमें भी है, वो सब में से कॉमन ले लिया। ये हमारे पास उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। वैसे ये बाईपास कितनी दफा लगाया है? हाँ सर, बाईपास कितनी दफा लगाया है इसमें? बाईपास इसमें 3 दफा लगाया हमने, पहले x क्यूब था वो x स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, x स्क्वायर कन्वर्ट हो गया सिंपल x में, सिंपल एक्स हमारे पास इधर आके वैल्यू हमने चेंज कर दी उसकी, सिंपल यहाँ पे आके हमारे पास सिंपल हो गया था क्वेश्चन। तो ये कलर कौन सा आ गया गंदा था, ये वाला यहाँ पे आ गया हमारे पास, खत्म हो गया पोर्शन। हाँ भी अली ठीक है सही जो है ई, ये वाला कौन सा फंक्शन है दोबारा बताइएगा जरा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है पहले फार्मूला। नहीं वो तो ठीक है, वो तो पता लग गया, एक्सपोनेंशियल अगर कोई ऐसे होता है, इसकी पावर का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। ठीक है लेट्स सपोज e की पावर x dx, x का डेरिवेटिव क्या है 1 मौजूद है, हमने सिंपल इसको लिख देना e की पावर x, अगर e की पावर अकेली 5 हो, e की पावर अकेली 5 हो तो इसकी इंटीग्रेशन कौन बताएगा, उम्र बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1/5 ex e पावर 5। हाँ भी शाहरुख आप हो मौजूद, शाहरुख बताए सर पावर कितना? हसन आप सर बताओ? नहीं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें तो वेरिएबल पावर में आ जाएगा, अगर e की पावर 5 इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ये सारे का सारा एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, e की पावर 5 कांस्टेंट आ गई और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई x, इसका जवाब ये बनेगा। हाँ ये उमर क्या कह रहा था जी? उमर कह रहा था कि e की पावर 5 और 1/5 आ जाएगा। सही। इधर x होगा तो तब आना है उसका 1/5 नीचे। अब ये सारा कांस्टेंट बिहेव कर रहा था, अली ने ये क्वेश्चन किया e की पावर 5 तो उसका आंसर ये e की पावर 5 कांस्टेंट है, e की पावर e का e की वैल्यू क्या आती है 2.71 का पावर ले लो आप 5 तो वो एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा कोई भी। और ये जो x है ये कौन सा फंक्शन है भला, कौन से वाला जो अकेला x हो अगर? हाँ, x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है, इधर 5 जो था वो कांस्टेंट था। नहीं यहाँ पर जो x अगर अकेला है तो अलजेब्रिक में आएगा ना? हाँ अलजेब्रिक में, हाँ अलजेब्रिक में
एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था। हाँ अभी अली नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? The sixth part है। Sixth part है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखा है कभी? या आज ही देखा है? आज ही देखा सर। ना झूठ बोलो, आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया? e की पावर x उसमें जाके क्या किया था हमने? आई सपोज कर लिया था, जाके एक दफा फिर यही टर्म बन जाती है, बन जाती थी ना। अब ये देखो यही टर्म, ये चौथे पांचवे स्टेप में जाके यही टर्म बन गए, इसकी जगह हमने आई पुट कर देना है, ये क्या बन गया? आई इक्वल टू समथिंग समथिंग माइनस वन ओवर फोर आई। ये जो माइनस वन ओवर फोर है वो इधर आके क्या हो जाएगा? वन ओवर फोर आई। तो इधर से आई कॉमन एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हमने दोनों तरीकों से किया था ये, याद है? उसने इस पे वो आईलेट वाला फार्मूला नहीं लगाया था, हमने आईलेट सी वाला फार्मूला लगा के किया था। हो जाएगा ली? यस सर, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सेम है, जस्ट माइनस का इजाफा किया उसने। ये अब थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसका कौन सा पार्ट? अच्छा ये है ही एक। क्वेश्चन बेसिकली ये है वही जो अभी हमने किया है ना सॉल्व, ये जो अभी हमने एग्जांपल की है, क्वेश्चन किया है अभी, क्वेश्चन वही है। उधर ए की जगह इधर क्या आ गया था? माइनस वन, और इधर बी की जगह क्या आ गया था? टू। देखा था क्वेश्चन क्या था? ई की पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स, साइन टू एक्स। अब ये देखे बी की जगह उधर क्या आ गया था? टू, और ए की जगह इधर क्या आ गया था? माइनस वन। सवाल, हाँ सवाल सारे का सारा यही था, आंसर उसका भी इसी तरह पैटर्न से आना है। कोई मसला नहीं, हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को ना। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास आईलेट सी वाले फार्मूले से देखते हैं तो अब ये ना आईलेट सी वाले फार्मूले को नहीं लेके चलता इधर, ये करता है हमारे पास इधर करता है, ये देखो आई लेट सी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो फर्स्ट फंक्शन रखना चाहिए, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन रखना चाहिए। अब ये इसको रख लेता है फर्स्ट फंक्शन, इसको रख लेता है सेकंड, इसको फर्स्ट सेकंड लेके प्रूव करता है। हम देखते हैं इसको करते हैं बोर्ड पे ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब हमारे पास है क्वेश्चन e की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। ठीक हो गया भाई? अच्छा भाई अब ये हमारे पास है आईलेट सी वाले फार्मूले से, हम इसको रखेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको रखेंगे हम सेकंड फंक्शन, साइन बी एक्स ए की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव। आईलेट वाले फार्मूले से कर रहे हैं हम, आईलेट वाले फार्मूले से कर रहे हैं, उसने आईलेट वाला फार्मूला नहीं यूज किया, ऐसे कर दिया था उसने, ये किया था उसको फर्स्ट फंक्शन रखा, इसको सेकंड फंक्शन। साइन बी एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन रख लिया और e की पावर ए एक्स जो है वो हमारे पास सेकंड फंक्शन आ गया, उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगी? e की पावर ए एक्स ओवर a माइनस इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स ओवर a साइन एक्स, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस बी एक्स, और साथ क्या आ जाएगा? b। ठीक हो गया यहाँ तक? ये आ गया हमारे पास वन ओवर a e की पावर ए एक्स
साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी ओवर ए इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स डी एक्स. अब इस पे हमने इंटीग्रेशन दोबारा अप्लाई करनी, ये एज इट इज वही आ गया माइनस बी ओवर ए. अब इस पे इंटीग्रेशन दोबारा अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इसी तरह, ये सेकंड फंक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कॉज ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर ए. अब कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन साइन बी एक्स, और बी का आगे डेरिवेटिव, सॉरी बी एक्स का डेरिवेटिव बी. ये पोर्शन बन गया, ये पोर्शन वैसे ही आ रहा था माइनस. अब ये इसे के साथ मल्टीप्लाई होगा बी ओवर ए स्क्वायर कॉज ऑफ बी एक्स ई की पावर ए एक्स. ये अब माइनस माइनस प्लस बी ओवर, अब इनमें से भी बी कॉमन ले लें, ऊपर बी भी आ रहा है नीचे ए भी आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बी ओवर ए, एक ये है और एक ये है, ऊपर बन जाएगा बी का स्क्वायर नीचे बन जाएगा ए का स्क्वायर. और एक माइनस ये भी थी अली, आपने नोट नहीं किया, तीन माइनस होगी, एक माइनस ये पूरे का पूरा जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, और ये वाली माइनस उसको क्या कर देगी माइनस अगेन. ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स. अच्छा दोबारा देखें ये एक चीज क्या बन गई, ये वाला पोर्शन अली, अली किधर गया है, ये आई के इक्वली बन गया जो क्वेश्चन था, आई के इक्वली जो स्टार्टिंग पे था हमारे पास आई. ठीक है, यहाँ चल रहा है हमारे पास आई वाला पोर्शन, ये बन गया हमारे पास अगेन क्या बन गया आई के बराबर. तो इसका मतलब ये माइनस हो रही है साई टर्म, ये साई टर्म इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, प्लस इसकी जगह जब हम रखेंगे आई तो ये क्या बन जाएगी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई इनटू आई. ठीक है, इधर वही पोर्शन सारे का सारा, और इनका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास इधर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई, आगे वो सारा दूसरा फंक्शन. अब ये ए और ये सारे का सारा पोर्शन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद हमारे पास वो जो इधर आंसर था, इधर आंसर क्या था हमारे पास, इधर था आंसर हमारे पास वन ओवर ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस माइनस बी ओवर ए स्क्वायर कॉस एक्स ई की पावर ए. अभी वो आसान हो रही थी वो, और बी एक्स है ठीक है ना, कॉस बी एक्स हो गया, ये पोर्शन ये आ जाता है हमारे पास, और ये वाला सारा पोर्शन दूसरी तरफ जाके जब इसके साथ डिवाइड हो जाएगा. अब ये देखें ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर जब इनमें से कॉमन लेंगे इनके साथ कैंसिल नहीं हो जाएगा. यस सर. ठीक है, इधर केला क्या रह जाएगा, ये लास्ट स्टेप में इधर कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हमारे पास रह जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू वन ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे सारा ब्रैकेट में लिख लो. अगर e की पावर ए एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, e की पावर ए एक्स कॉमन ले लो. इधर ऊपर क्या रह गया हमारे पास, साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा इसका. अली क्लियर हुआ? यह सर वैसे ही वो आसान आसान हो रही थी, ठीक हो गया. एक मिनट कहाँ गया अभी गूगल भाई आपका,
नेक्स्ट इसका कौन सा पार्ट है? वो तो राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करेंगे इसकी, सर राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। जी वो बोर्ड गायब हो गया आपका? बोर्ड गायब नहीं हुआ, बोर्ड ये कि लेके आ रहा था ना, एक ही चीज ऑन द स्पॉट आती है ना। ये देखें यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर जो है ना, वो चीज आपके सामने आ गई थी, ये देखें भी यहाँ तक क्वेश्चन आपका आंसर आपका वही नहीं आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई, e की पावर x कॉमन ले ली थी, ax a sin bx माइनस b cos bx, यहां तक आपका आंसर आ गया था ना उमर सर? यहां तक आपका आंसर आ गया था। अब आंसर में देखो, हमारे पास आंसर में वो कहता है कि हमने आंसर लेके आना है, अभी किसमें आंसर लेके आना है हमने, ये वाली टर्म में, इस तरह मतलब ax sin हो बस, ये वाली चीजें अब कहां से आ रही हैं? आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, उसमें फर्स्ट ईयर का था 10वां चैप्टर, 10 चैप्टर के पॉइंट वाले क्वेश्चन थे, 10.2 के, यस सर, आर वाले, वो आर वाले, और जिसमें ए इक्वल टू आर कोस थीटा, बी इक्वल टू आर साइन थीटा, बेसिकली ये किसके एंगल होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट? ये होते हैं बेसिकली, देखा जाए तो ये होते हैं हमारे पास सर्कल के, इन दोनों को स्केयर करके जब जमा करते हैं तो जवाब इसका आता है आर स्केयर के बराबर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर क्या बन गया, आर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो आर स्केयर इनका कॉमन आ गया, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1, और इधर से हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, ये बेसिकली सर्कल के होते हैं कोऑर्डिनेट। इधर से हमने फार्मूला पुट कर दिया, इसमें ए की जगह जहां जहां ए आ रहा था वहां वहां हमने पुट कर दिया आर कोस थीटा, जहां जहां बी आ रहा था वहां हमने पुट कर दिया आर साइन थीटा। अब जब उसमें पुट करने के बाद हमने ये देखो, ये अभी पोर्शन जो अभी मैंने प्रूफ किया है इसका, ये वाला इधर से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसकी जगह हमने पुट करना है, ये जो पोर्शन आ रहा है ठीक हो गया, इसकी जगह क्या बन गया हमारे पास आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या हमने पुट कर दिया, हमारे पास फॉर्मूला और बन गया। अब ये देखें, जब फॉर्मूला हमारे पास, इसको मैं कलर चेंज करके ना इधर करता हूँ, ये बन गया हमारे पास आर स्क्वायर आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स e की पावर ए एक्स, ए की जगह इसने पुट किया आर कोज ऑफ थीटा साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी की जगह उसने पुट कर दिया इधर आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कोज ऑफ बी एक्स, इसका फॉर्मूला बनता है अगर दोनों में से आर कॉमन ले लिया जाए तो ये बन गया कोज थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा कोज ऑफ बी एक्स, ये बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा, सर अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला बन गया। अब बी एक्स की जगह तो हमारे पास कोई मसला नहीं बनेगा, ये बन जाएगा साइन बी एक्स माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को तकसीम करते हैं बी ओवर ए, याद है tan थीटा के बराबर आ गया, तो इधर से yes, ये क्या बन जाएगा उसका tan इनवर्स b ओवर a इक्वल टू थीटा। अब थीटा की जगह उसने ये वैल्यू पुट कर दी और ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड आ गई, वो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास वही टर्म बन जाएगी ठीक है। अब ये देखते हैं हम sin bx और थीटा की जगह हमारे पास क्या है tan इनवर्स b ओवर a, आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो क्वेश्चन में हमारे पास सेम उसी तरह उसने लिखा हुआ, ये देखो bx माइनस
थीटा की जगह उसने क्या लिख दिया, बी ओवर ए, और साथ वही पोर्शन सारे का सारा आ रहा है। और जो इधर आ रहा है हमारे पास ये वाला, ये उसने आर की वैल्यू पुट की थी, जो आर हमारे पास कॉमन नहीं आया था, हमारे पास एक आर आया था इधर, एक मिनट, एक आर हमारे पास कॉमन आया है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया था, आर स्क्वायर, और उधर एक आर कॉमन आया था। जब ये उधर जाके डिवाइड होगा, आर ओवर आर स्क्वायर बन जाएगा, आर एक आर से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, वन ओवर आर। अब इधर से हम जब आर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ, तो इसकी जगह ये लिखी हुई है वैल्यू, वो जो लिखी हुई ना e की पावर ए एक्स आगे है, जो भी प्लस या माइनस जो भी इधर होगा आगे है साइन, इधर आता है बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर हमने इधर तक निकाल लिया बाय पार्ट्स फार्मूला लगा के, ये नीचे स्टेप तक। आगे हमने क्या किया, उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के बाद ये जवाब लेके आ गए। अली ठीक है अब? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अली? फोर का सेकंड पार्ट। फोर का सेकंड पार्ट। जी दो तीन दिन हो गए, छह बच्चे हैं बस। ये हैदर भी आ गए, नहीं आते रहे हैं तकरीबन, दस बच्चे होते रहे हैं, कल भी दस बच्चे थे, मुझे नजर नहीं आते, नहीं आए थे, फिर वो कुछ लीव कर गए थे या नेट इश्यू बनता है किसी का ना। अब ये देखें, ये सवाल है हमारे पास, इन सवालों को हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, अली बताएगा, अली बल्कि उमर बताएगा, एक मिनट ठहरो, कौन कौन है, एक मिनट, हाँ भी सफा आप बताओ, इसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो चलो उमर आप ही बताओ फिर, इसमें क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की है और फिर वो आइलेट वाला फार्मूला लगाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो ठीक है, वो तो उसने कर दिया, कोई और मेथड है इसका सर? इसके साथ वन मौजूद है। नहीं वो तो ठीक है, आपकी बातें बिल्कुल सारी की सारी सच्ची है, वो सामने नजर आ रहा है, एक फार्मूला और एक आपको याद नहीं है, वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में ए सेकंट थीटा, साइन तब पुट करते हैं जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तब हम पुट करते हैं एक्स की जगह ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, याद आया, हम इसको ये yes, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, ए सेकंट थीटा, ए सेकंट थीटा, हाँ यस सर। चलो हम उस मेथड से करके देखते हैं, नोटबुक खोलते हैं दूसरी, कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हो जाए, बस बहुत है जल्दी, बहुत जल्दी आ जाओ जी, आप पढ़ाएंगे, इसने पढ़ा हुआ पहले, ये ऐसे ही सही करता है, पढ़ाएं यहाँ वकील साहब, जान दो गुस्सा, और ये रेजर बड़ी नहीं होती, एक दफा बंदा फेरे सारी खत्म हो जाए।
अच्छा अभी क्वेश्चन लिखवाना मुझे क्या था जल्दी जल्दी, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. एक तो मेथड वो आपके सामने था, उस तरीके से कर सकते हो. दूसरा मेथड है x की जगह आप पुट कर सकते हो a secant theta. जब a secant theta पुट करोगे तो डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा डिफरेंशियल. a secant theta का डिफरेंशियल क्या होता है, secant theta into tan tan theta d theta. ठीक है, उसकी जगह जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a square secant square theta minus a square. इधर बन जाएगा secant theta tan theta d theta. अब इनमें से a square कॉमन आ रहा है, square square root से कट जाएगा और ये वाला portion as it is ऐसे ही आ गया. और ये हमारे पास next formula होता है 1 plus tan square theta equal to secant square theta, जो अभी पिछले question में use किया था. इधर से secant square theta minus 1 किसके बराबर आ जाएगा, tan के बराबर आ जाएगा. तो integration a square tan square theta और साथ इधर आ जाएगा a secant theta tan theta d theta. तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास रह गया a tan theta और इधर बन गया हमारे पास a secant theta और ये बन गया tan theta d theta. अब ये हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, a square tan का square और साथ secant theta d theta. अब a square constant है, टाइम खत्म होने लगा है. हाँ, secant square theta minus 1 secant theta. इधर से बन जाएगा हमारे पास a, ये बन जाएगा हमारे पास secant square theta d theta. ये a square दोनों के